अगर आपके पास विलियन का आंशिक का मुझे बास चाहिए तो मैंने आपको बताया था जाए पी प्लस जाए पी नोट अब और एक्स बी तो दुनिया जानता मैं इसको जाए 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 भी होता मैं एकस भी बोलता है इसको ताकि आप सुनने में अच्छा लगे तो इसका सिंपल सा मतलब था मोल प्रभाज किसका विलायक का और एक्स बी का मतलब होता है मूल प्रभाज किसका विलय का पी नोट ए का मतलब होता है शुद्ध अवस्था में बास्पुदाव किसका विलायक का और पी नोट बी का होता है बेटा अवस्था में किसका और इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा वो हम निकालने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन में पहले लिख रहा हूं क्वेश्चन हिंदी में लिखूंगा मैं देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है किसी जलीय विलियन जलीय विलियन में 20 प्रतिशत द्रव्यमान बटा द्रव्यमान ए कोई पदार्थ है मिलाया गया है मिलाया गया है जिसका अनुभार अनुभार 140 ग्राम इसका अनुभार 140 ग्राम तथा विलियन का दाब विलियन का बास्पदाव एक सौ mm of Hg ऑफ एच है एच जी हो तब शुद्ध जल का शुद्ध जल का वाष्प बाष्पदाव ज्ञात करें यदि, यदि, यदि एक शुद्ध एक शुद्ध एक बास्पदाव बाष्पदाव एक सौ mm पचास एम एम ऑफ एच जी हो अब देखिए क्वेश्चन का लंबाई देखने को बच्चा लग रहा है आधा बच्चा तो यहीं पे सोहा हो जाएगा क्या क्वेश्चन कितना बड़ा हमसे होगा ही नहीं तो जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है ज़्यादातर क्वेश्चन की लंबाई देख के वो क्वेश्चन बनाना छोड़ देता है क्वेश्चन में कुछ नहीं बता है। जो 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 डाटा चाहिए अपन को अपन वो कलेक्ट करते जाएंगे क्वेश्चन अपन से सॉल्व हो जाएगा पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था याद करो फॉर्मूला क्या था पी एस इज कल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी हो गया अब अपन से पूछा हुआ क्या वो सुनो कह रहा है शुद्ध जल का बास्पुदाव क्या है जल के बारे में पूछा शुद्ध जल का बास्पुदाव अगर आपने पी नोट बी का वैल्यू निकाल लिया ठीक है अगर मैं तुम तो इसको वाटर मान लो वाटर या इसको वाटर मान लो तो आपके पास कोई एक डाटा तो दिया हुआ या तो पी नोट ए मान लो या तो क्या मान लो पी नोट बी कोई एक डाटा मान लेना अब आपको यहाँ से जाए और जाए जाय मतलब आपके पास विलायक का मूल प्रभाव चाहिए और विलय का मूल प्रभाव चाहिए दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो जिसके पास दिमाग गेम तो आराम से खेल लेगा ट्वेंटी परसेंट वेट बाय वेट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका सिंपल सा मतलब होता है एक सौ कितना होता है बीस बटा एक सौ ऊपर भी द्रव्यमान और नीचे भी W का मतलब वेट होता है बेटा और द्रव्यमान हम लोग किस में मापते हैं बेटा ग्राम में ऊपर भी ग्राम और नीचे भी बेटा ग्राम ऊपर हमेशा विलय रहता है मैं पहले ही बता चुका हूं और नीचे कौन रहता है बेटा विलियन तो विलायक यहां से बता सकते कि तो कितना होगा दोनों घटा दो बेटा अस्सी ग्राम क्या हो जाएगा आपके पास अस्सी को चाहिए मूल मूल निकालने का सबसे आसान तरीका बेटा दिया हुआ द्रव्यमान उसका अनुभार तो सबसे पहले विलय का निकाल लेते हैं विलय मेरे पास कितना बेटा एक्से दिया हुआ द्रव्यमान बीस बटा उसका अनुभार कितना बेटा विलय का एक सौ चालीस तो अपन ने लिख लिया बेटा एक सौ चालीस बटा टोटल तो 20 बटा 140. वाटर कितना बेटा 80 बटा अच्छा 18 कहाँ आया जो कमजोर दिल वाला आदमी है वो देखो बेटा हाइड्रोजन का दो हो जाएगा ऑक्सीजन का कितना बेटा सोलह दो प्लस सोलह कितना है बेटा अठारह तो अपन ने कितना डिवाइड कर लिया बेटा अठारह से जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे सिंप्लीफाई करने पर जो आएगा बेटा वो आएगा नाइन बाई टू एटी नाइन अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं तो आप करके देखिए बेटा इतना ही आने वाला है नाइन बाई टू एक्स बी का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं निकालने के लिए तो रख दो अस्सी बटा 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 अस्सी बटा अठारह प्लस बीस बटा एक सौ चालीस मैंने पहले ही बताया था जिसका निकालना बेटा उसका ऊपर बटा टोटल मोल तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा बेटा दो सौ अस्सी बटा दो सौ नवासी टू एटी नाइन मैंने दो लिखा है बेटा टू एटी नाइन दोनों को जोड़ के देखो बेटा वन आ रहा है ये दुनिया का सात सौ सत्तर है विलय और विलायक दोनों का मूल प्रभाज अगर आप जोड़ दोगे जोड़ने पे कितना आता है बेटा वन आएगा ठीक है अब एक्स ए भी आ गया और एक्स भी, भी आ गया और ये जो मैंने क्या बेटा दिया हुआ द्रव्यमान बटा अनुभव मोल मैंने निकाला है मोल निकालने का तरीका बता दिया था दिया हुआ द्रव्यमान क्वेश्चन में बीस ग्राम दिया हुआ था बटा उसका अनुभव अनुभार भी अगर आप चाहो देख सकते हो बेटा एक सौ चालीस ग्राम दिया हुआ था और जलीय विलयन बोला हुआ है जलीय विलयन का मतलब एक क्वेश्चन सोल्यूशन ये और वाटर है बेटा और वाटर का कितना होता है बेटा 18 ग्राम होता है ये आपको याद रख लेना है ठीक है 18 ग्राम चलो आ जाओ अब पीएस का वैल्यू बिलियन का देखो बेटा बास दाब दिया हुआ है बिलियन का बास दाब बेटा 160 तो पीएस की जगह कितना रख दोगे बेटा 160 ए का वैल्यू यहां से निकाला आपने कितना है बेटा 9/289 अच्छा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में पी नोट ए शुद्ध दिया होगा इसका वाष्प दाब आ, इतना एक सौ पचास तो यहाँ कितना रख दो बेटा एक सौ पचास चलेगा प्लस एक्स बी का वैल्यू दिया बेटा कितना टू एट्टी बाय टू एटी नाइन पी नोट बी का वैल्यू अपन को निकालना है तो बेटा पी नोट बी ही रख लेते हैं इसको अब देखो बेटा बहुत आसान तरीका है अब इसको सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा बेटा वही आपसे पूछा हुआ था शुद्ध जल का बाष्पदाव या शुद्ध ए का बाष्पदाव कितना होगा शुद्ध ए का बाष्पदाव जो निकालोगे बेटा यहाँ से आप निकाल सकते हो कितना आएगा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ सिम्पलीफाई करने पर जो आएगा वो आने वाला है पी नोट बी का चार सौ इकहत्तर दशमलव वन एम एम ओ एच जी आप यहाँ से सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने पे जो आएगा वही क्या है बेटा आपका आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दुख दर्द पीड़ा कलेश बिकार हो तो आप मुझे बता सकते हैं बाकी मैंने जो था मैंने पूरा कर दिया अब देखो जो बच्चा है बस देख रहे हो बस दो लाइन मैंने लिखा क्वेश्चन खत्म है आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए बेटा एक्स ए जो मैंने लिखा ला ए का मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज अगर तुमने ये दो चीज़ निकाल लिया तो ऑटोमेटिक आपका बेटा तीसरा चीज़ निकालना संभव है ठीक है अगर वही दो चीज़ नहीं निकाल पाए तो दिक्कत है मोल प्रभाज निकालने का सबसे आसान तरीका वह द्रिया हुआ दरमान बटा उसका अनुवाद मोल प्रभाज विलय और विलायक अगर तुम दोनों को जोड़ देते हो तो हमेशा जोड़ने पर कितना है वन अगर तुमने निकाला और निकालने पर क्रॉस चेक कर सकते हो वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर वन आ रहा है तो हंड्रेड परसेंट तुम्हारा आंसर सही है अगर वन नहीं आया तो समझना कुछ ना कुछ गड़बड़ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो मैं दो मिनट समय देता हूँ आपको आराम से कॉपी करें अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और अगला क्वेश्चन देखो वो इससे भी आसान दे रहा हूं मैं। ताकि आपसे आसानी से बन जाए आपने इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों का फॉर्मूला सबको आता होगा इथेनॉल का फॉर्मूला होता है बेटा सी टू एच फाइव ओ एच क्वेश्चन कह रहा है हमने कोई विलियन बनाया विलियन था आपका जलिया विलियन था उसमें दो चीज हमने मिलाया हुआ है एक इथेनॉल और दूसरा क्या बेटा मिथेनॉल अब जो कम मात्रा में होगा बेटा उसको क्या बोलते हैं विलय और जो अधिक मात्रा में होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है तैयार हो जाइए क्वेश्चन कैसे था वो देखो कह रहा है किसी बिलियन किसी बिलियन किसी विलियन में दो पदार्थ दो पदार्थ मिले हुए हैं मिले हुए हैं वह मैं इथेनॉल लिखूं या पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूं वह इथेनॉल तथा मिथेनॉल है इथेनॉल तथा मिथेनॉल है जिसका जिसका शुद्ध अवस्था में जिसका शुद्ध अवस्था में बाष्पदाव बाष्पदाव अट्ठासी दशमलव सात बार तथा चौवालीस दशमलव पांच बार है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहां तक तो जैसे मैंने लिखा आपके पास शुद्ध अवस्था पी नोट ए और पी नोट बी दोनों का वैल्यू आ चुका है अब आपको यहां से देखो बेटा इथेनॉल का दिया हुआ एट्टी एट पॉइंट सेवन और मिथेनॉल का दिया बेटा कितना फोर्टी फोर अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो के, के क्या कहता है कहता है यदि साठ ग्राम इथेनॉल अधिक मात्रा में है तथा चालीस ग्राम मिथेनॉल मिला दिया जाए मिला दिया जाए तब विलियन का दाब विलियन का दाब ज्ञात करें अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा विलियन का दाब निकालना है मतलब पीएस का वैल्यू निकालना है किसका निकालना बेटा पीएस का अब क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या निकालना है बेटा आपको मोल प्रभाज निकालना है ए और बी का मैंने कहा आसान से निकाल देंगे सबसे पहले मैंने मिथेनॉल का निकाल दिया किसका निकाल दिया बेटा मिथेनॉल का फिर किसका निकाल देंगे बेटा इथेनॉल का दिया, जिस बटा उसका अनुहार का देखो बेटा हमको तो याद रहता है तुमको तो भी याद होना चाहिए इसका जब करोगे ना फोर्टी लो बेटा चौबीस चौबीस पांच उनतीस एक तीस कर लो बेटा कितना है फोर्टी सिक्स दिया हुआ दरमान साठ बटा उसका अनुहार फोर्टी सिक्स साठ बटा छियालीस बटा आपके पास मिथेनॉल मिथेनॉल कितना था चालीस जब इसका निकालोगे अनुभव बेटा बत्तीस आएगा ठीक है भरोसा नहीं है तो करके देख लो बेटा बारह तीन पंद्रह एक सोलह 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 बत्तीस अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो सिंपलीफाई करने पे ये आएगा बेटा जीरो बेटा जीरो पॉइंट फाइव वन ठीक अब मिथेनॉल का निकालना है तो यह भी निकालेंगे बेटा कैसे लिखोगे चालीस बटा बत्तीस बाय में क्या लिखोगे साठ बटा छियालीस प्लस चालीस बटा बत्तीस जब ये सिंप्लीफाई करोगे जीरो पॉइंट आएगा समझ में आया कि नहीं आया अब देखो बेटा दोनों का मोल प्रभाव आ चुका है इसका मिथेनॉल और ई का मतलब क्या बेटा इथेनॉल अब दोनों फॉर्मूला में रखेंगे आंसर आ जाएगा बेटा इज टू एक्स एक्स ए पी पी, प्लस पी नोट नोट प्लस बी बी अब ए को मान लेते हैं बेटा आपके पास वे इथेनॉल कितना बेटा जीरो पॉइंट फाइव वन और इथेनॉल का मोल पर इसका शुद्ध अवस्था में कितना है बेटा एट्टी एट पॉइंट सेवन तो से कितना से मल्टीप्लाई कर x एट पॉइंट सेवन प्लस दिया बेटा जीरो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा पी एस का वैल्यू पी एस आएगा बेटा सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री ठीक है और यूनिट क्या है बेटा इसका गया जी देख लो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है सिर्फ मार्केट में इसका हवा बना दिया गया आप लोगों के लिए ताकि बच्चा क्वेश्चन देखे और डर जाए और ज्यादातर ये आपको मार्केट में देखने के लिए भी नहीं डायरेक्ट टीचर क्या करता है डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया अपना काम निकाल लिया तो बेटा जब आप पेपर में बैठोगे ना उस समय आपको पता चलेगा रियलिटी है क्या ठीक है अभी तो देखो टीचर तुम्हारी कमजोरी को भी भाप लिया है और वो भी उसी लेवल पर लेके चला गया है जिस लेवल पर तुम ज्यादा कम्फर्टेबल महसूस होते हो उसको नया कुछ पढ़ाना ही नहीं है जब वो भारी चीज़ पढ़ाएगा ना ठीक है तुमको लगेगा मास्टर खराब पढ़ा रहा है उसी समय आपको समझना बेटा उस जो चीज़ होता है ना वही चीज़ पेपर में आने वाला होता है और बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा कमजोरी बता रहा हूँ बच्चा सोचता है चोरी करके पास कर जाए चोरी करके पास कर जाऊ मान लिया मैंने ठीक है नब्बे नंबर भी ले आता है छियानवे नंबर तक बच्चा चोरी करके ले आता है ये बात भी गारंटी बोलता हूँ लेकिन सिर्फ वो पेपर पे ही दिखेगा उसका कोई वैल्यू नहीं होगा घर में वो कागज़ के कूड़ा के रूप में ही पड़ा रहेगा और उससे मेरे टीचर भी खुश रहते हैं कि मेरा बच्चा छियानवे नंबर ले आया नब्बे नंबर ले आया और तुम्हारा पड़ोसी भी कहेगा कि बच्चा पढ़ता नहीं था नब्बे नंबर ले आया तो तुम्हारे दिमाग में क्या हुआ अच्छा विधिता इसलिए चलता है बेटा अगर वैसे पढ़ना है तो उसके लिए ऑब्वियसली पढ़ते रहो कोई दिक्कत नहीं उसे मेरे क्या मार्केट में इतने सारे टीचर हैं किसी से भी पढ़ोगे चोरी करके ही तुम्हें पास होना है था हाँ लेकिन जो नॉलेज चाहिए बेटा नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो ठीक है अभी देख रहे हो अभी जो स्थिति है इतना बेरोजगारी है सबके पास ठीक तो जो सिचुएसन बन रहा है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते दुनिया में कहीं सर्वाइव भी नहीं कर सकते अगर आपके पास नॉलेज है तो किसी को पढ़ा के भी तुम काम चला सकते हो अपना घर चला सकते हो अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो लास्ट ऑप्शन क्या है कुछ नहीं कर सकते हो आराम से तो जाके मजदूरी करो अभी स्थिति देख रहे हो कैसा देश में स्थिति आ गया है इससे रिक्वेस्ट है बेटा घर पे पढ़िए आप जितना पढ़ाया जाता मैं एक्स्ट्रा नहीं कहता पढ़ने के लिए जितना मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ आप उतना पढ़ लीजिए आपका काम हो जाएगा आप उतना भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं ठीक है तो नुकसान आपका ही होगा हमारा तो कुछ होगा नहीं ठीक है अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन दूंगा क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक होगा मार्केट में नहीं मिलता वो सब बस क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो से फिर वही इथेनॉल और मिथेनॉल ही मिलाया गया है इस किस केस में आपके पास समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन कह रहा है एक विलियन बनाया गया है जो इसमें इथेनॉल और मिथेनॉल है मैं क्वेश्चन लिखता हूं किसी विलियन में थेनॉल तथा इथेनॉल सी टू एच फाइव ओ एच मिथेनॉल तथा इथेनॉल उपस्थित या मौजूद देता तो? हूँ मौजूद या उपस्थित ही है उपस्थित हैं जिनका जिसका समीकरण जिसका या जिसके लिख देता तो हूँ जिसके दाब का समीकरण समीकरण पी एस इज्कल टू दो सौ चौवन माइनस एक सौ उन्नीस इंटू एक्स दिया हुआ है मान लेता हूँ मैं इसको स्मॉल इस एक्स दिया है कह रहा है यदि एक्स इथेनॉल का एक्स इथेनॉल का मूल प्रभाज या मूल अंश निरूपित करता हो या दर्शाता हो लिख हूँ दर्शाता हो तब मिथेनॉल तथा इथेनॉल का मिथेनॉल तथा इथेनॉल का वाष्प दाब ज्ञात करें इथेनॉल तथा मिथेनॉल का शुद्ध अवस्था में इधर दिख रहा है शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में दाब ज्ञात करें अब देखो बच्चा सन्नाटे में चला जाएगा सन्नाटे में क्यों जाएगा इसमें कुछ तो दिया हुआ ही नहीं है कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है कैसे गलत कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं क्वेश्चन पूछ लिया आपसे क्वेश्चन ऐसा ही हो बेटा यहाँ पर दिमाग आपको लगाना पड़ेगा सर दिमाग कैसे लगाएंगे आपके पास दो चीज दिया हुआ है एक इथेनॉल है और दूसरा क्या बेटा मिथेनॉल तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है तो बच्चा फॉर्मूला लिखेगा पी एस इज कल टू एक्स ए मैं इधर लिख रहा हूँ ना ताकि पीएस इजकअल टू एक्स ए चलेगा अब समझो मिथेनॉल दिया इथेनॉल दिया हुआ तो मैं A को ना एम से रिप्लेस कर देता हूं ताकि मिथेनॉल समझ में आ जाए आपको और जहां ई e लिखता हूं उसका मतलब क्या समझ लेना बेटा इथेनॉल से कोई दिक्कत यहां तक समझ लोगे अब आपको दुनिया बार सिखाया होगा मिथेनॉल और इथेनॉल विलय और विलायक दोनों का मूल प्रभाव का योग किसके बराबर होता, होता है बेटा वन के बराबर होता है x m की जगह क्या लिख सकते हो ये बता दो one माइनस का x e क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता अब x m की जगह वो वैल्यू पुट कर दो तो बोलो क्या लिखोगे p s is equal to one minus x e और इधर आगे बोलो p note m प्लस का x e p note t कोई तकलीफ यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लो p s is equal to p note m माइनस का x e p note m प्लस का एक्स इ पी नोट ई कोई तकलीफ है यहाँ तक दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है कि इस दोनों में एक्सई कॉमन e है दोनों में बाहर निकालो तो क्या लिखोगे पी एस इजकल टू पी नोट एम प्लस एक्स ई जैसे ही बाहर निकालोगे बेटा पी नोट ई e माइनस का पी नोट एम क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं जो गरीब आदमी है दिल से कहेगा मास्टर भाई यहाँ प्लस लिख दिया यहां तो माइनस था बेटा मैंने इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा इतना दिमाग आपके पास होना चाहिए ठीक है अब मैं मैं इसको करके लिखता इज़ क्या लिख सकता से बेटा देखो जो समीकरण दिया हो तो समीकरण को नीचे दो समीकरण जैसे ही नीचे उतरेगा दो सौ चौवन प्लस पी नॉट ई माइनस का पी नॉट एम और एक्स का मान कितना बेटा आपके पास एक्स यहाँ दिया हुआ है आ, दिया हुआ. एक सौ उन्नीस और सात बेटा एक्स दुनिया वालों में सबसे बेहतरीन चीज बनाई। बताया क्या कंपेरिजन क्या बनाया बेटा कंपेरिजन पी एस पी एस पी नोट एम की जगह कितना दिया है बेटा दो सौ चौवन दिया हुआ है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या पी नोट एम का मान तो आ गया कितना दो सौ चौवन आ गया अब देखो जरा इस दोनों का डिफरेंस कितना है P नोट E माइनस पी नोट M का मान कितना बेटा 119 दिया हुआ है अब P नोट M का वैल्यू तो आ गया इसको उधर भेज दूँ क्या P नोट E का मान कितना आ जाएगा 119 प्लस इसका वैल्यू बेटा दो दोनों जोड़ लो दोनों पे कितना आ रहा है दिख रहा है नीचे नौ चार तेरह पाँच एक छः एक सात दो एक देख लो बेटा एडिशन में सही किया है नौ छह तेरह पांच एक छह एक सात दो एक तीन तीन अब देखो दोनों जो आपसे पूछा होता बेटा का का मान मान और पी नोट दोनों वैल्यू आ गया या नहीं आ गया अब इसका मात्रक जो भी क्वेश्चन में दिया होगा मात्रक इसका यहाँ दिया हुआ नहीं था इसलिए हमने मात्रक नहीं लिखा या तो बाद में माप लेंगे या एम एम ऑफ एच जी में माप लेंगे या मरकरी में माप सकते हैं आप लोग ठीक है अब क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन तो इतना लंबा था लेकिन मैंने दो लाइन लिखा काम खत्म हो गया अगर आपके पास कहाँ पर अच्छा वहाँ माइनस दिया हुआ था मैंने ओके ओके अच्छा प्लस कर देता हूँ ठीक है ओके ठीक है हाँ बेटा यहाँ देख लेना मैंने प्लस लिखा होता था ठीक है गलतीस में स्प्रिंट हो गया था या माइनस था यहाँ माइनस कर दिया अब आंसर सही है कोई दिक्कत यहाँ तक अब आपको याद क्या रखना है ये सुनो लॉजिक हमेशा याद रखना बेटा वा ये वाला अगर फॉर्मूला याद है तो मोस्ट प्रोबली चांस होता है एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए ठीक है पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यही वाला फॉर्मूला याद रखना आपका काम फिनिश हो जाएगा यहां तक तो कोई तकलीफ दुख दर्द पीड़ा क्लेश, विकार है तो बता सकते हो नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ लेंगे नहीं है ओके नेक्स्ट टॉपिक एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपसे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कितना देर हुआ ओके. लो गांव वालों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा क्वेश्चन क्या है वो सुनो क्वेश्चन कह रहा है किसी जलीय विलियन में किसी जलीय विलियन में ओ उरनशील ओरनशील पदार्थ मिला देने पर दाब में दो प्रतिशत की कमी आ जाती है दो प्रतिशत की कमी आ जाती है तब तब उस विलियन का तब उस विलियन का मोललता उस विलियन का मोललता ज्ञात करो क्वेश्चन फिर तुमसे माओ बना दिया तुमको क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है अब करोगे क्या 99 जनता बेटा तो से क्वेश्चन 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 छोड़ देता है है उसको को समझ में ही नहीं आता है। पूछ रहा अगर तुम्हें याद हो तो याद तो होगा ना ऐसे आपसे उम्मीद करना ही बेकार है ठीक है मैं फिर से लेकिन बता देता हूं अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बहुत आसान है पी नोट माइनस का नोट टू मैंने बताया था किसका का अगर तुम्हें याद हो तो मैंने राहुल का बाष्पुदाव का नियम जब बताया था आपको तो बताया था आपेक्षिक बाष्पदाव आपदाव का अवनमन बराबर होता है मूल प्रभाज किसके विलय के ठीक है मूल प्रभाज निकालने का तो सबको आसान तरीका है बेटा दिया द्रव्यमान बटा उसका अनुभर बटा जिसका निकालना टोटल से भाग दे दो उसको अब देखो जब भी प्रतिशत में क्वेश्चन आए तो प्रारंभिक को हमेशा 100 मानते हैं मैंने आपको क्लास में बताया था प्रारंभिक को हम लोग कितना मानते हैं बेटा 100 तो पी नोट को हमने 100 मान लिया अगर 2 परसेंट की कमी आई तो पी एस का मान कितना हो गया होगा 98 हो गया होगा तो पी एस नाइनटी हो गया इनिशियल हमने कितना माना था बेटा एक तो मान ही लिया था अब यहां से लिखोगे एक्स एक्स क्या बेटा मूल पहा जिसको जाय बोलते हैं ठीक है अब यहां से क्या लिखा है दो बटा एक सौ ये किसका आया का मान। कोई है दिक्कत है अब दोनों में संबंध याद करो क्या था संबंध था एम बराबर m m अनुभार अब में तो बेटा जलिया में तो कौन मौजूद होगा पानी मौजूद होगा और पानी का अनुभार कितना होता है मैंने तुम्हें बार बार सिखाया है अठारह कितना होता है बेटा तो यहाँ पे दो अठारह और m का जो मान यहाँ से है, एम बराबर कितना आने वाला बेटा जीरो पॉइंट जीरो दो बटा जीरो पॉइंट जीरो दो प्लस एक हज़ार बटा कितना अठारह अगर यहाँ से निकालोगे एक्स बराबर जीरो दशमलव जीरो दो बटा जीरो दशमलव जीरो दो प्लस पचपन दशमलव पाँच पाँच ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा अच्छा एम था ना सॉरी हाँ हाँ उल्टा हो एक मिनट एक मिनट सॉरी यहाँ से मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ मैंने गलत रख दिया था एक्स बराबर एम बाय प्लस वन थाउजेंड बटा उसका अनुभ अनु एक्स का मान हमने पास कितना था बेटा दो बटा एक सौ ऐसे लिख दू जीरो पॉइंट जीरो दो चलेगा एम बाय एम प्लस एक हजार बटा कितना अट्ठारह हो जाएगा अब देखो यहाँ से कैसे लिखोगे जीरो पॉइंट जीरो टू बटा एम बाय एम प्लस पचपन दशमलव पाँच पाँच कोई दिक्कत है यहाँ तक तो क्या यहाँ से m का मान निकाल सकते हो तो एम का मान निकाल लेना बेटा एम का जो मान आएगा वही आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत दुख दर्द पीड़ा कलेश विकास हैंड बताओ तो ये था बेटा आपका क्या क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक पे आपको करवाया क्वेश्चन सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बेटा अब घर पे जाएं क्वेश्चन आपके पास एन में दिया हुआ है राउल्ट के आंशिक बाद सुधाव का नियम डाल्टंस वाला जो भी क्वेश्चन आपसे बनता है आप क्वेश्चन बनाइए नहीं बनेगा तो वापस फिर आपको बता देंगे आज के लिए इतना ही ऑल द बेस्ट हमारी मुलाकात होगी